उत्तराखंड में मॉनसून सीजन चल रहा है और इसी बीच अब डेंगू के मरीज भी सामने आने लगे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में डेंगू के मरीज मैदान से लेकर पहाड़ तक सामने आ रहे हैं। अभी सितंबर का महीना शुरू ही हुआ है, इस बीच 40 लोग प्रदेश में डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू के मरीजों की संख्या अभी और अधिक बढ़ेगी। देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नवनियुक्त जिलाधिकारी सवीन बंसल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस जिम्मेदारी की कमान संभाली है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सफाई कार्य के लिए जितनी भी निजी कंपनियां जैसे कि वाटर गैस, सनलाइट और इकॉन अपने वर्क पैटर्न में 1.5 महीने के अंदर सुधार करे, नहीं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मौसम के बदलते मिजाज के साथ आमतौर पर बीमारियां भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में अगर सावधानी न बरती जाए तो किसी भी इंसान को बीमार होते देर नहीं लगती है, और वो बीमारी अगर समय से दूर नहीं हो तो मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि डेंगू कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। उससे पहले इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप बीमार बिल्कुल नहीं देखना चाहते। डेंगू साफ पानी में होता है। मॉनसून के सीजन में अक्सर पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि पक्षियों के बर्तन में, पानी की टंकी में, तो इन्हें आप समय समय पर साफ करते रहें, उनका पानी बदलते रहें, और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखें जो ड्राई डे हो, यानी कि घर के आसपास जमे हुए पानी को अच्छी तरह से सुखा दें। इससे होगा ये कि अगर हम अपने आसपास पानी जमा होने ही नहीं देंगे तो डेंगू का लार्वा पनपने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। डेंगू का जो लार्वा होता है वो रुके हुए साफ पानी में ही पनपता है, उसके बाद ये मच्छर बन जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर अपना वायरस छोड़ देता है, जिसके चलते डेंगू होता है। डेंगू के सबसे आम लक्षण हैं जुखाम, बुखार, खांसी, शरीर में थकावट महसूस होना, शरीर में काफी दर्द होना। साथ ही साथ डेंगू आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर सबसे पहले अटैक करता है, जिसके चलते आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट्स जल्दी से जल्द गिरने लगती है। अगर डेंगू का सही समय पर इलाज ना हो तो ये वाकई जानलेवा बीमारी है। इसे जरूरी है कि अगर मॉनसून के दिनों में आपको अपने शरीर में इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत ही अपने पास के अस्पताल में जाएं और डेंगू का टेस्ट जरूर करवा लें, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको आम बुखार है या फिर डेंगू का। खुद से डॉक्टर बिल्कुल ना बने और वायरल समझकर ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से बचें। बड़ी बात यह है कि डेंगू बुखार में 90% से ज्यादा मरीज अगर प्राथमिक उपचार ले लें तो वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाते हैं। 1-2% मरीज ही सीरियस अवस्था में जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप डेंगू को हल्के में लें, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति डेंगू की चपेट में आता है तो उसके ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत जल्द गिरने लगते हैं। जिस व्यक्ति को डेंगू होता है डॉक्टर उसे एक दिन में 2 बार प्लेटलेट काउंट्स का टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं, ताकि जल्द से जल्द ये मॉनिटर किया जा सके कि उसकी बॉडी में जो प्लेटलेट काउंट्स है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत मरीजों को तब पड़ती है जब उनके प्लेटलेट्स 30,000 से कम हो। अगर मरीज सही समय पर प्राथमिक उपचार ले ले तो महज दवाइयों से ही डेंगू आसानी से ठीक हो सकता है। अगर उसकी प्लेटलेट्स 80,000 से कम होने लगे तब डॉक्टर उसे ग्लूकोज के साथ दवाइयां चढ़ाना शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में साल 2023 में पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। डेंगू से मरने वाले मरीजों की संख्या 12 थी, जिसमें से अकेले देहरादून में से 11 लोग शामिल थे। साल 2019 में प्रदेश में डेंगू काफी तेजी से फैला था और उस साल 8 मरीजों की मौत हुई थी। इसलिए सावधान हो जाइए और अपने आसपास नजर घुमा कर देखिए कि कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महक कॉल के साथ मैं मीनाक्षी।